नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन इंडिया और मैं आपके साथ हितेश गोस्वामी। अभी हम बात करने जा रहे हैं बिहार पंचायत चुनाव के पांचवें चरण के परिणाम, जो कि कल यानी 26 अक्टूबर को हमारे सामने आने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें, कल 24 अक्टूबर को पांचवें चरण के तहत बिहार के 38 जिलों के 58 प्रखंडों में चुनाव हुए थे और इस दौरान 845 पंचायतों में चुनाव आयोजित कराए गए थे। और कल यानी 26 अक्टूबर को इन तमाम पदों के जो परिणाम है वो हमारे सामने आने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें, 3424 पद ऐसे रहे और ऐसे प्रत्याशी रहे जो कि निर्विरोध रहे। ये कौन कौन से पद हैं और किन्हें किन्हें निर्विरोध घोषित किया गया है, आइए आपको ये भी बता देते हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में अपने जिले और अपने प्रखंड और पंचायत का नाम लिखकर अवश्य बताएं, ताकि आपको अपनी पंचायत का रिजल्ट सबसे पहले देखने को मिल सके। और अगर आप पूरा परिणाम देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के लिए आपके सामने इस वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का बटन आ रहा होगा, उससे अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि आपको कल सबसे पहले परिणाम देखने को मिल सके। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं उन 3424 पदों के बारे में जहां पर प्रत्याशी निर्विरोध घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें, इन 3424 पदों में से 130 पद पंचायत सदस्य के हैं, वहीं ग्राम कचहरी पंच पद पर जो कि 3292 पद ऐसे रहे जहां पर उन्हें निर्विरोध घोषित कर दिया गया है। वहीं दो प्रत्याशी जो कि जिला परिषद सदस्य भी रहे उन्हें भी निर्विरोध घोषित कर दिया गया है। वहीं पांचवें चरण के तहत 168 पद ऐसे रहे जहां पर पर्चा तक नहीं भरा गया, जिसमें 3 पद ग्राम पंचायत सदस्य और 165 पद ग्राम कचहरी पंच के हैं। इस प्रकार से जो निर्विरोध घोषित किए गए हैं वो हमने आपको बताए और उन 168 पदों के बारे में बताया जहां पर एक भी प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ है और वहां पर चुनाव नहीं हुए हैं। वहीं आपको बता दें, पांचवें चरण के तहत मुखिया और सरपंच पद की 845 सीटों और जिला परिषद सदस्य के 124 सीटों के लिए मतदान हुए हैं। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी पंच के 1,15,553 सीट और पंचायत समिति सदस्य के 1,171 सीटों के लिए वोटिंग हुई है। इस प्रकार से जो सीटें हैं जिनका परिणाम कल देखने को मिलेगा, आपको बता दें परिणाम एजुकेशन इंडिया पर बताया जाएगा। सबसे पहले हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे और कमेंट बॉक्स में भी आपको एक लिंक मिलेगा, वहां जाकर भी आप मुखिया और जिला परिषद सदस्य सहित तमाम पदों के परिणाम देख सकते हैं। ऐसे में कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां अवश्य चेक करिएगा, क्योंकि कल दिन भर आपको दिखाएगा एजुकेशन इंडिया सबसे पहले परिणाम। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अभी बेल आइकन को दबाएं। वहीं तमाम बड़ी खबरें अब आपको बता रहे हैं बिहार पंचायत चुनाव के 10वें चरण को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में अब जो नामांकन है वो शुरू हो जाएंगे। वहीं 9वें चरण के लिए भी प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है नामांकन की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो चुकी है। 29 नवंबर को 9वें चरण के तहत मतदान होने वाला है। अगर अभी तक आपको नहीं पता कि आपके प्रखंड में आपकी पंचायत में कब मतदान होंगे, तो आप जाइए एजुकेशन इंडिया पर और देखिए हमारा वीडियो जिसमें हमने बताई आपको पूरी लिस्ट, सभी चरणों के बारे में पूरी जानकारी दी है और हमने आपको बताया है कि कब कहां पर चुनाव होंगे। तो उस वीडियो को अवश्य देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था, लेकिन आपको बता दें, आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप पंचायत के जो परिणाम है वो देख सकते हैं और आपको एजुकेशन इंडिया चैनल पर भी परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसे में चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें और कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा कि आप किस जिले के किस प्रखंड से ये वीडियो देख रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।